जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? मैं हूँ कृष्णा। दोस्तों मैं आज बताऊंगा एक ऐसे हस्तियों के बारे में जो तो था एक आम आदमी, पर अपनी दम पे आज वो फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा सितारा बन चुका है। तो आम आदमी से एक सुपरस्टार बनने का जो सफर वो कैसा रहा, चलिए जानते हैं। नाम राजीव हरियम भाटिया, जिसे हम खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जानते हैं, और है फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार। दोस्तों अक्षय कुमार का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1987 में। अक्षय कुमार का जन्म हुआ था अमृतसर में और परवरिश हुआ पुराना दिल्ली में। आसमानों से कहो, अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। हुस्न वालों से कहो कि अगर इश्क देखना हो तो हमसे आके मिले। इनके पिता हरियम भाटिया एक आम मिलिट्री ऑफिसर था। पहले अक्षय चांदनी चौक के इलाके में रहता था। उसके बाद मुंबई आ गया, जहाँ पे इन्होंने कली बड़ी इलाके में रहने लगा। मुंबई की डॉन बॉस्को स्कूल से इनका पहला पढ़ाई शुरू हुई, और उसके बाद अक्षय कुमार ने मुंबई की गुरु नानक खालसा कॉलेज में गया हायर एडुकेशन के लिए। मगर दोस्तों इन्होंने एक साल के बाद ही अपना कॉलेज छोड़ दिया और बैंकॉक चला गया मार्शल आर्ट सीखने के लिए। दोस्तों बता दें, अक्षय कुमार की एक बहन भी है जिनका नाम है अलका भाटिया। अक्षय कुमार जब 14-15 साल के थे, तब उनके पापा अक्षय कुमार से पूछे कि बेटा तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? तब अक्षय कुमार ने कहा, मैं एक्टर होना चाहता हूँ। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी हुई। बैंकॉक में जब अक्षय कुमार मार्शल आर्ट सीख रहे थे, उस समय इन्होंने पढ़ाई के साथ वेटर की तरह भी काम किया। मुंबई वापस आ जाने के बाद अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया, और अभी भी एक्टिंग की मंजिल काफ़ी दूर थी। कोई राह जब नज़र नहीं आ रहा था, और तभी इनका किस्मत का सूरज चमका। जब अक्षय कुमार मार्शल आर्ट सिखा रहा था, तब इनकी एक स्टूडेंट जो कि एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, वो लड़का अक्षय कुमार का एक तस्वीर मॉडल असाइनमेंट के लिए भेज दिया, और अक्षय कुमार को एक्टिंग करने का मौका मिल गया। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर हाँ जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता। एक्टिंग के पहले 2-3 दिनों में अक्षय कुमार को ऐसा लगा कि 2 दिनों में उन्होंने जितना सारा पैसा कमाया वो तो पूरे महीने में भी नहीं कमा सकता, और तब उन्होंने सोचा कि मॉडलिंग का रास्ता ही चुन लिया जाए। बहुत फिल्मों में ये बात और बैकग्राउंड डांसर की तरह भी काम किया, और एक दिन ये फ्लाइट मिस कर दी और किस्मत की हवाई जहाज पे सवार हो गया। दोस्तों किस्सा यूँ मशहूर हुआ कि अक्षय कुमार को जाना था बेंगलोर अपनी एक एड शूटिंग के लिए, और इन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। जब ये बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि अब जिंदगी में ये क्या करेंगे, तभी इनका किस्मत बदल गया। हाँ दोस्तों, उसी शाम फेमस प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने इनको फिल्म दीदार के लिए साइन कर लिया। शुरुआत में लोगों ने कहा, लड़के के पास लुक तो है, एक्शन भी कर लेती है, पर शायद एक्टिंग में कुछ कमी है। और तब अब्बास मुस्तान की फिल्म खिलाड़ी आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा के रख दिया और ऐलान कर दिया कि आ गया है वो हीरो जो एक्शन भी करता है, डांस भी और रोमांस। उसके बाद ही आया फिल्म मोहरा, जो कि बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट रहा। टिप टिप बरसा पानी। टिप टिप बरसा पानी।
यश चपड़ा की फिल्म ए दिल लगी में भी एक बहुत रोमांटिक किरदार निभाया अक्षय कुमार ने, और तब ऑडियंस को पता चला कि ये हीरो सब कुछ कर। दोस्तों, अक्षय कुमार का शादी एक बहुत बड़ा किस्सा रहा। मिसेस खिलाड़ी मतलब ट्विंकल खन्ना जब आमिर खान और फैजल खान के साथ मेला फिल्म शूटिंग कर रहा था, उससे पहले अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने डिसाइड कर लिया था कि मेला फिल्म अगर फ्लॉप हो गया तो उन दोनों ने शादी कर लेंगे। पर दोस्तों, आमिर खान के रहते हुए भी मेला फिल्म फ्लॉप हो गया और अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना ने शादी कर ली। इस तरीके से अक्षय कुमार ने बना हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना का दामाद। इस शादी से ट्विंकल खन्ना को दो बच्चा हुआ, बेटा अरब और बेटी नित्रा। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के बाहर से आया हुआ एक आम लड़का सुपरस्टार की पेरिस में अपना नाम दर्ज कर दिया था। टेलीविजन का होस्टिंग रहा हो या रियलिटी टीवी शोज रहा हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, अक्षय कुमार ने एक्शन पे एक्शन खूब कर दिखाया है। भारत के सिनेमा में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। हम हैं सीधे